अस्सलाम वालेकुम। आज ये बटर पेपर मैंने यूज़ किया है जो कलर्स एंड लाइफ ने मुझे भेजा था, तो इसको मैंने रेगुलर डेकोपॉज मेथड से ही अप्लाई किया है। पहले ग्लू लगाकर बेस के ऊपर, और जिस तरह से आप टिश्यू यूज़ करते हैं उसी तरह से मैंने इसको पेस्ट किया, और इनिशियली इसमें मुझे कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ यूज़ करने में। एक चीज़ जो हुई, इसमें रिंकल्स बने क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि ये पेपर थोड़ा श्रिंक हो रहा है। उसके लिए भी जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से यही लगा कि एट अ टाइम बहुत ज़्यादा पेपर आपने अगर पेस्ट किया है तो भी रिंकल्स बन रहे हैं। आप थोड़ी ग्लू लगाकर थोड़ा थोड़ा पेपर अगर पेस्ट करेंगे तो उसमें रिंकल्स नहीं बनेंगे। और सेकेंडली, मैं जो है इवन बेस नहीं थी मेरी, मैं दो प्लैंक्स को जोड़ कर ये बना रही थी, इस वजह से भी मुझे लग रहा कि वो एयर आ रही थी बीच में और रिंकल्स बन रहे थे। बट द पेपर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये टेयर नहीं होता। मैंने उतार के भी दोबारा पेस्ट किया तो भी ये टेयर नहीं हुआ, और काफ़ी हद तक उससे भी रिंकल्स जो है वो रिमूव हो गए थे। और इसको मैंने कार्ड के साथ भी स्क्रैप किया तो भी ये जो है पेपर ना टेयर हुआ और ना इसके कलर्स हटे, और इसके बड़े प्यारा इफ़ेक्ट आया। और ये ग्लू के साथ जब मैंने ऊपर भी थोड़ी ग्लू लगाकर और इसको जब पेस्ट किया तो बहुत अच्छे से ये मर्ज हो गया। और फिर एंड पे मैंने इसको फुल ग्लू ऊपर लगाकर मैंने अपनी फिंगर्स के साथ रिंकल्स निकाले तो कोई टेयर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और काफ़ी हद तक रिंकल्स जो थे वो रिमूव भी हो गए थे। मुझे ख़ुद पसंद है रिंकल्स डेकोपॉज में, मुझे अच्छे लगते हैं। और आर्ट में तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए साइड्स पर बॉर्डर बना दिया टेक्सचर पेस्ट के साथ, तो वो बहुत अच्छे से जो है उसके रिंकल्स और टेक्सचर पेस्ट के साथ जो एक फ्रेम सा बना था वो बड़े अच्छे से मर्ज हो गए। ये मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा है, इसके कलर्स बहुत ही प्यारे आए हैं, और इसके ऊपर जब मैंने वार्निश किया तो बहुत ही कलर्स खूबसूरती से पॉप आउट हुए थे। एंड देयर इज़ नो फिल्टर इन इट, ये प्रॉपर कैमरे से बनी हुई है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा।